हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मिंटा। और आज की वीडियो में बात करेंगे, बच्चों को बहुत दिन से इंतजार था कि भाई एडमिट कार्ड कब आएगा। अप्रैल में होने वाला एग्जाम था, पोस्टपोन होते होते जून तक पहुंच गया। और जून में जब पोस्टपोन की जब डेट इसकी पोस्टपोन करके डेट जून में की गई थी, तो बच्चे थोड़ा सा बच्चों को टाइम मिल गया था तैयारी करने का। कहीं ना कहीं अच्छा भी था बच्चों के लिए, क्योंकि जो पहला एग्जाम अप्रैल में होना था वो जून में हो गया, और जो मई वाला सेशन फेज था वो आपका जुलाई में होगा। जुलाई वाले एग्जाम के लिए अभी भी आपके पास समय है, और एडवांस का एग्जाम आपको अगस्त में होगा। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि एडमिट कार्ड जो आपका आया हुआ है, इस एडमिट कार्ड के व्यापार पर जो भी चीजें आपको दी गई हैं यहाँ पे एडमिट कार्ड में, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या कुछ चेंजमेंट किए गए हैं, और क्या आपको सेंटर पर जाने से पहले तैयारियां करनी होंगी। जिन बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया उन्होंने देख लिया होगा, जैसे इस बच्चे ने दोनों पेपर फिल किए थे, पेपर टू भी फिल किया है, पेपर वन भी इसने फिल किया। तो पेपर वन इसका जो है वो 26 तारीख को इसका आया हुआ है, और पेपर टू जो है वो उसका 23 तारीख को है। मतलब 23 तारीख को बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बैचलर ऑफ प्लानिंग का एग्जाम है, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम आपका दिया हुआ है 1:20, और आपका 2:30 से आपका गेट क्लोजिंग टाइम सेंटर का जहां पर दिया हुआ है। उसके बाद जो एग्जाम की आपकी टाइमिंग है वो 3:30 से 6:30 के बीच में है। मतलब आपको 1:20 पर सेंटर पर पहुंचना है। जो बच्चे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का फॉर्म भरे हैं, मतलब पेपर टू का जो है उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, वो बच्चे इसमें देख लें कि उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है। 26 तारीख को इसका पेपर है बीटेक का, इसमें भी आपको 7:20 पे आपको जो है रिपोर्टिंग का टाइमिंग दिया हुआ है, गेट क्लोज हो जाएगा आपका 8:30। उसके बाद 9:00 से 12:00 के बीच में पहली शिफ्ट का एग्जाम है, मतलब इस बच्चे का जो एग्जाम है वो पहली शिफ्ट में होना है। एक फोटोग्राफ आपको लेके जाना होगा, जो फोटो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई है उसी की सेम कॉपी आपको लेके जानी होगी, हार्ड कॉपी, मतलब दो लेके जानी है, एक वो वहां पे आपसे लगवा लेंगे, एक आपको एक्स्ट्रा लेके जानी होगी। और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि क्या क्या चीजें आप ले जा सकते हो एग्जाम सेंटर पे। आप पानी की बोतल ले जा सकते हो एग्जाम सेंटर पे, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए, जो यहाँ साफ साफ दिखा हुआ है। इट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली फॉलोइंग आइटम्स विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। तो आपको पर्सनल ट्रांसपेरेंट जो पानी बोतल है वो ले जा सकते हैं, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर आप ले सकते हैं 50 ml का, और एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन आप ले जा सकते हैं, दो भी ले जा सकते हैं। एडमिट कार्ड अलॉन्ग सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड के साथ में आप जो आपने भी आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिखाया वो ले जाएंगे आप। एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटो आपको ले जाने होंगे, और उसके बाद ओरिजिनल आपका एक जो वैलिड आईडी प्रूफ होगा वो आप लेके जाएंगे। आधार कार्ड आप ले जा सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, या फिर इसके अलावा अगर वोटर आईडी तो आप वो भी ले जा सकते हैं अगर है आपके पास तो। इसके अलावा एग्जाम सेंटर में आपको रफ सीट मिलेंगी, 6 रफ सीट मिलेंगी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको रफ सीट मिलेंगी, और मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, जो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम हो रहा है सीबीटी एग्जाम होगा आपका, सबको बताइए बात। तो आपको जो रफ सीट मिलेंगी वो रफ सीट जब आप पेपर सॉल्व वहां पे रफ सीट पे आप पेपर सॉल्व करेंगे, तो पेपर सॉल्व करने के बाद वो रफ सीट आपको वहीं जमा कर देनी, वो आपको लेके नहीं आनी है, लेके आएंगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, साफ साफ ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपकी जो शूज होंगे या फिर आपकी जो स्लीपर होंगी वो मोटी, मतलब आपकी जो होता है सोल का नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा आपका जो है हल्का होना चाहिए, बहुत मोटी सोल का जूता या फिर चप्पल नहीं चलेगा। आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसको आपको भरना है, जिसमें आपसे कुछ बातें पूछी जाएंगी, आपके पास साथ कोई दिक्कत चल रही है, आपकी कोई इलाज चल रहा है कुछ दिनों से, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको बुखार तो नहीं है, या फिर किसी कोविड पेशेंट के आप कॉन्टेक्ट में तो नहीं आए, या फिर ये सारी चीजें वैक्सीनेशन वगैरह आपने ले रखा है, सारी चीजें आपको इसमें भर के ये आपको एक अंडरटेकिंग ले जानी होगी वहां पे, इसमें आपसे साइन करवाएंगे, लेकिन साइन आपको वहीं करने होंगे। और उसके अलावा आपसे एक चीज ये होगी कि आपको जो आपका जिन बच्चों ने आधार कार्ड लगाया था एग्जामिनेशन फॉर्म में, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग में जब फॉर्म भरा था तो एक आधार कार्ड बच्चे लगा रहे थे एग्जामिनेशन फॉर्म में, वो आधार कार्ड मैच नहीं हो पा रहा था, कई सारे बच्चे आधार कार्ड लगा रहे थे उनका डेटा मैच नहीं हो पा रहा था एप्लीकेशन फॉर्म से, उन बच्चों के लिए इन्होंने डिक्लेरेशन फॉर्म दिया हुआ है नॉन आधार वाले बच्चों के, जिन्होंने आधार कार्ड नहीं सबमिट कर पाए थे या जिनका आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा था वहां पे, वो ये एप्लीकेशन एक अंडरटेकिंग भरेंगे, इसमें भी आपको साइन करना होगा, लेकिन साइन आपको वहीं जाके करना होगा एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। जितने भी ऐसे बच्चे जिनका एडमिट कार्ड आ गया है उनके लिए बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम दीजिए अच्छे से, जुलाई वाले एग्जाम के लिए भी तैयारी करते रहिए लगातार, आपका जून वाले एग्जाम का जैसे रिजल्ट आएगा, हम लोग जेईई मेंस के जो आपकी काउंसलिंग होती है वेरियस काउंसलिंग होती है, ई बुक आपको जल्दी ही मिल जाएगी, एक दो दिन में लगभग रेडी है, बहुत जल्दी दे देंगे, लेकिन सोच रहा हूँ कि एग्जाम खत्म होते ही आपको दिया जाए, क्योंकि अभी बच्चे थोड़ा सा एग्जाम में व्यस्त हैं। उसके अलावा आपका WBJ की काउंसलिंग में बहुत जल्दी लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे, जूम सेशन, लाइव सेशन, जितनी भी काउंसलिंग्स आपकी होती है वेरियस काउंसलिंग पे लगातार हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले साल की काउंसलिंग में हमने जिस तरीके से बच्चों की हेल्प की थी उससे और ज्यादा अच्छे तरीके से इस बार हम जो गलतियां पिछले साल हो गई थी वो इस बार सुधार करके और अच्छे तरीके से हम लोग आपकी हेल्प करने का प्रयास कर रहे हैं। द मेंटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अपने अच्छे से एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक बहुत सारा सारे बच्चों के लिए, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।